अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? तो आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत माह रमज़ान की मुबारकबाद। और ये वाली जो वीडियो है ना, ये मैं आपके साथ 2 दिन की शेयर कर रही हूँ। तो आज अभी मैं एक तो नाश्ता करने लगी हूँ, उसके बाद मैंने जाना था, मेरे ब्लड टेस्ट थे और इस महीने में मैं दूसरी बार दे रही हूँ। मैं बहुत बार दे चुकी हूँ तो उन्होंने अगेन जो है मुझे डेट दी थी। ये शुक्र है कि मुझे रोज़े के साथ नहीं जाना पड़ा और मैं एक दिन पहले जो है वो चली गई थी। तो उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट हो गए, हाथ मेरा काफ़ी दर्द कर रहा था। इस बार नीडल जो है उन्होंने काफ़ी बड़ी मोटी वाली यूज़ की थी तो बाजू में काफ़ी मेरा दर्द हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी और मैंने कहा चलो देख भी लेती हूँ। सुबह सुबह का टाइम था तो हाथ तो मैं ये देखें आपको बाजू यहाँ पे दिखा रही थी, वो तो खैर दर्द कर रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, कुछ जार्स मैंने देखने थे क्योंकि बिस्किट्स वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी किचन में रखती हूँ ना तो वो फ़ौरन ख़राब हो जाती हैं। तो मेरे पास ऐसे कोई कंटेनर था नहीं जो एयर टाइट हो, बड़ा थोड़ा सा, तो ये मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। उसके बाद फिर मैंने उस्मान को कहा कि टमाटर नहीं मिल रहे हैं, कब से मैं आ रही हूँ, मैं कितनी बार चक्कर लगा चुकी हूँ, सुबह सुबह भी आ चुकी हूँ लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, टमाटर नहीं मिल रहे हैं। तो छोटे वाले लेकर आ जाती हूँ जो चेरी टोमेटोज़ हैं, लेकिन जो मुझे प्रॉपर वाले टमाटर हैं ना वो नहीं मिल रहे। और उसके अलावा कुछ चीज़ें लेनी थी, फ्रूट लेना था, दही दूध, जो कि मैं खुद जाती हूँ तो भारी चीज़ें मैं नहीं उठाती हूँ तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं रहती थी। तो बस ये जल्दी जल्दी से मैंने जो है वो चीज़ें ली। और उसके बाद बाकी ऐसी ब्रेड वगैरह कुछ चीज़ें नहीं थी जो अभी माह रमज़ान में सहरी में इफ्तारी में चीज़ें यूज़ होंगी, जो डेली यूज़ की होती हैं वो मैंने ली। तो बस जी, अब इसके बाद हम चलते हैं घर की तरफ। घर आने के बाद ना मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम हो गए थे, सिर्फ जो स्टोव है ना, एक तो मैंने इसकी डीप क्लीनिंग करनी थी और कुछ छोटे छोटे काम थे, कुछ चेंजेस करनी थी। तो बस आज मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा मैं ये सारे काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। तो स्टोव जो है ना वो आपको पता है, हम लोग यहाँ पे वैसे पराठे वगैरह हमारे घर में बहुत कम बनते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी देसी खाने इस तरह के होते हैं कि ऑयल भी होता है, तो स्टोव का ये हाल तो हो ही जाता है। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये करूँगी, बस थोड़ा सा ये था कि ये काम मैंने एंड के लिए पेंडिंग रखा हुआ था ताकि आगे कुछ दिन आराम से निकल जाएँ। तो यहाँ पर ये ब्रश है जो कि मैं लेकर आई थी, ये वाला खैर एक मेरे पास रखा हुआ था लेकिन 3 मैं और भी लेकर आई थी। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना या जो भी क्लीनिंग करनी होती है तो मैं ब्रशेस ये यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने सबसे पहले तो स्टोव को चमकाना था, सारे कैबिनेट साफ़ करने थे और मैंने आपको दिखाया मैं कौन सा क्लीनर यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। मैं रेगुलर बेसिस पर भी इसी को यूज़ करती हूँ। तो ये देखें जी, ये भी मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं और जितना भी इसमें स्टेन्स होते हैं ऑयल के वो सब चले जाते हैं। आज मैंने काफ़ी टाइम दिया इसको और मैंने इसको खूब चमका दिया क्योंकि आपको पता है माह रमज़ान में कुकिंग जो है वो सहरी अफ्तारी हम बनाते हैं, ज़्यादा किचन में ज़्यादा टाइम गुजरता है। तो बस मैं तैयारी कर रही थी माह रमज़ान की, फिर फ्रोज़न चीज़ों की, इन सब में मैं बिज़ी थी। तो मैंने सोचा था कि आराम से रिलैक्स होकर मैं स्टोव को बिल्कुल एंड में जो है वो प्रॉपर डीप क्लीनिंग करूँगी। तो ये देखें जी, इसके बाद यहाँ पे भी ब्रश से, मेरे पास वैसे 2-3 ब्रशेज़ हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, सब पे ये वाला ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन कुछ जगह होती हैं तो उन पे मैं ये यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि ये तो डेली ना दिन में 10 बार मैं ये भी इसी क्लीनर से मैं साफ़ करती हूँ और फिर ऐसे गंदा हो जाता है क्योंकि इस पर मैं कोई चीज़ भी रखती हूँ, बर्तन रखती हूँ, जब भी फ़ौरन से जो है ना स्क्रैच हो जाते हैं, स्टेन्स पड़ जाते हैं, कलर फेड हो जाता है। तो इसको भी रेगुलर मैं 1 से 2 बार दिन में साफ़ करती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद ये वैसे ही हो जाता है। तो खजूर अभी मैं वॉश कर रही हूँ क्योंकि खजूर मैं वॉश करके ड्राई करके अभी जार्स में डाल के टेबल पर रखूँगी। थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज करनी है, घर में लाइट्स भी लगानी है तो वो सारा मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरा बाजू इतना दर्द कर रहा था, जब भी मैं ब्लड टेस्ट कराती हूँ पूरा 1 हफ्ता मुझे दर्द रहता है और बिल्कुल नीला काला जो है ना वो निशान ही हो जाता है। लेकिन ये है, खैर काम तो चलते ही रहते हैं। तो हम लोग गए थे लाइट्स लेने के लिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, लाइट्स जो है ना वो चाहिए थी, फ्यूज़ हो गई थी। तो फिर मैंने कहा जार्स और कुछ चीज़ें लेनी है तो वो भी ले लेती हूँ। तो अभी उस्मान को मैंने कहा कि आप ये लाइट्स लगा लें क्योंकि अब जो है ना टाइम आ गया है, घर को थोड़ा रोशन कर दें, थोड़ी रौनकें घर में हमें
मतलब जो एक फीलिंग्स होती है ना माह रमज़ान की, क्योंकि अभी यहाँ पे वैसा तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन हम दोनों हैं तो जाहिर है घर को तो हम थोड़ा बहुत रोशन करेंगे, थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो लेकर आएंगे, ताकि हमारा दिल भी लगा रहे, खुश रहे। बाकी अल्लाह पाक कबूल करने वाला है, अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल फरमाए, इबादत कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अब जी मैं करने लगी हूँ थोड़ी सी सेटिंग अपनी डाइनिंग टेबल की, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, लेकिन कुछ यहाँ पे मैं चेंजेस ज़रूर करूँगी, जो कि मैंने खुद रखी हुई थी पेंडिंग के मैं लास्ट डे पे करूँगी, ताकि देख के मुझे बहुत अच्छा लगे। और मैंने आपको बताया भी था कि कुछ नई चीज़ें मैंने छोटी छोटी सी रखी हुई हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला मैं एक दो दिन पहले जो है वो उनको सारा सेट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने उस्मान को कहा, लाइट्स लग गई, और मैंने उस्मान को कहा कि अब आप जो है ना थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दें, तो उन्होंने थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दी। उसके बाद यहाँ पे जो है आप देखें इस तरह से मैं सेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम यहीं पे इंशाल्लाह ताला सहरी भी करेंगे, इफ्तारी भी करेंगे, यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आता है। उसके अलावा ये होता है कि एक जो फील आ रही होती है ना यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छी आती है, तो इस वजह से ये सारी जगह अभी मैं सेट कर रही हूँ। और आप ये देखें ये मैंने सारा सेट कर दिया है, खजूर मैंने रखी है ड्राई हो जाए। और आप ये जो मैट देख रहे हैं ये भी मैंने कंट्रास्ट में लिया था, ज़्यादातर चीज़ें मैं इसी तरह के कलर्स में ले लेती हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी लगे, कंट्रास्ट में या मैचिंग में अच्छी लगे, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे करती हूँ। तो ये देखें जी हमारी टेबल सेट हो गई है, दो मैट्स रखे हैं, दो अभी जो है उनको मैं वॉश करूँगी। मुझे ऐसे लग रहा था थोड़े से जो हम यूज़ कर रहे थे ना उनको मुझे वॉश कर लेना चाहिए, तो अभी मैंने दो ही रख ली हैं, तो हम दोनों के लिए फ़िलहाल काफ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी सेटिंग भी चेंज हो गई, हमारी लाइट्स भी लग गई घर में, क्योंकि इस रूम में अब हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा गुजरता है। एक तो माह रमज़ान की वजह से भी इंशाल्लाह ज़्यादा गुजरेगा, दूसरा यह कि जैसे ही थोड़े सा वेदर चेंज होता है या रोशनी थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, और किचन में कुकिंग भी होगी, साथ टेबल भी है, साथ रूम भी है, और टीवी लगा होता है तो हस्बैंड वो भी देख रहे होते हैं, तो यहीं पे हम लोग इंशाल्लाह ताला अपनी सहरी और अपनी इफ्तारी जो है इंशाल्लाह यहाँ पे करेंगे। तो मैं बस वेट कर रही थी कि मैं एक दिन पहले जो है वो सारी लाइट्स लगा के नई चीज़ें जो है वो थोड़ी सी सेट करके थोड़ी सी चेंजेस लेकर आऊँगी, ताकि हम दोनों को बहुत अच्छी लगे। तो बस जी अभी थोड़े से जार्स मैंने वॉश करके रखे हैं, वो ड्राई होंगे तो बाकी चीज़ें मैं सेट करूँगी टेबल पे। इतने तक मैंने सोचा कि हम शेक पी लेते हैं स्ट्रॉबेरीज़ का और बनाना का, क्योंकि सुबह से जो है ना निकले हुए थे और वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लग गया था। उसके बाद घर आके मैंने काफ़ी आज एफर्ट की, तो मैंने दो बार शेक इसलिए बनाया कि मैं अपनी चीनी ऐड नहीं करती हूँ, उस्मान के लिए मैं चीनी ऐड करती हूँ, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। और ये दोनों भी हो गए हैं जी रेडी। आज रात के खाने में मैंने बनाया था इस दिन, जिस दिन मेरे काम काफ़ी ज़्यादा थे। अच्छा आप स्टोव देखें माशाल्लाह कितना चमक गया, कितना साफ़ हो गया, आपको खुद आइडिया हो जाएगा बिफ़ोर और आफ्टर का देख के। अच्छा मैं बना रही हूँ पुलाव, साथ ये चटनी का क्यूब मैंने निकाल के रखा है, क्योंकि आज ना मेरे काफ़ी सारे काम पेंडिंग थे जो कि मैं कर रही थी साथ साथ जल्दी जल्दी, तो मैंने सोचा कि बस ये बना लेती हूँ। और दूसरा उस्मान की भी रिक्वेस्ट थी कि ये बना के, तो साथ साथ मैं अपने लिए वेजिटेबल्स भी स्टीम कर रही हूँ। सिंपल थोड़ा सा पानी डाल के इसमें बस मैंने रख दिया है, थोड़े से मसाले डाल दूंगी, डन हो जाएगा, तो ये मैं राइस के साथ जो है वो खाऊंगी। तो ये है जी मेरी डिनर प्लेट, और इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो मैंने दो दिन की बनाई है, इंशाल्लाह ताला मैं आगे आपसे भी अभी शेयर करती हूँ। लेकिन ये देखें जी मज़ेदार सी मेरी प्लेट है। और हाँ आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपका पहला रोज़ा कैसे गया है, मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा कि ये मैं इकट्ठी जो है आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा जी तो आज नेक्स्ट मॉर्निंग है माह रमज़ान से एक दिन पहले की, और आज हमने सहरी भी करनी थी। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रोज़ा है, तो बहुत सारे काम थे जो करने थे, तो बस यहाँ पर छोटी छोटी जो फ़ाइनल चीज़ें रह गई थी वो मैं कर रही थी। जार्स मैंने वॉश करके रखे थे, इनको मैं फ़िल कर रही हूँ, और अभी एक खजूर मैंने वॉश करनी है जो कि उस्मान अपने लिए लाए थे, उनको अच्छी लगती है, तो वो मैंने भी वॉश करके और ये एक जार जो मैंने रखा है इसमें मैं फ़िल करूँगी इंशाल्लाह ताला। तब तक ये जो मैं लेकर आई थी इसमें मैं बिस्किट्स डाल रही हूँ, इनको मैं किचन में नहीं रखूँगी।
इस चार को मैं यहाँ पे रख रही हूँ क्योंकि किचन में मैं बहुत बार चेंज कर चुकी हूँ लेकिन उसके बावजूद भी ख़राब हो जाते हैं बिस्किट्स। किचन की जो छत है ना वो काफ़ी नीचे है, इसलिए हर चीज़ में मतलब इस तरह से रहता है, ख़राब हो जाती है। और जी उसके बाद फिर काम मैं कर रही थी आज सुबह से, कपड़े वॉश कर रही थी, टीवी लगाया हुआ था कि कब ऐलान होगा पाकिस्तान का, तो जी दिल को वैसी खुशी होती है तो मैं वेट कर रही थी सुबह से टीवी लगा के कि कब ऐलान करेंगे, कब चांद नज़र आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने ये देखा, मैंने सबको जो है वो फिर विश किया, बहुत अच्छा लगा। फिर सबकी कॉल्स आने लग गई, सबने मुबारकबाद दी, तो काफ़ी टाइम जो है वो उसमें गुजर गया। फिर जी उस्मान आ गए शाम के टाइम, और आज मैं सुबह से कपड़े भी वॉश करती रही, सारे घर में जितने भी कपड़े ऐसे वैसे थे, लॉन्ड्री बकेट थी, सब कुछ जो है ना वो मैंने वॉश कर दिया आज। और यहाँ मैंने डाला था कि जल्दी ड्राई हो जाए तो इनको मैं फिर रख दूंगी। और ये आज मैंने अपना नया ड्रेस पहना था, फ्रेश हो गई, मैं नया ड्रेस पहना। शाम के टाइम मुझे अम्मी ने जो जो चीज़ें बताई थी मैंने चांद देखने के बाद, नमाज़ के बाद फिर इबादत की अल्हम्दुलिल्लाह, तो 2 घंटे मेरे फिर वहाँ पे लग गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करे कि मैंने जो है वो इबादत कर ली थी जो मुझे मेरी अम्मी ने गाइड किया था। तो ये आज मैंने नया ड्रेस पहना था, दुपट्टा मैंने नमाज़ के लिए जो पहनती हूँ बड़ा वाला वो पहन लिया था। और उसके बाद अब मैं आ गई थी किचन में क्योंकि आज रात सहरी भी करनी थी और उसके साथ अभी खाना भी खाना था। तो पालक का एक पैकेट रखा हुआ था तो मैंने कहा कि इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए मैं इसको बना लेती हूँ, क्योंकि अब सहरी में वैसे कच्ची सब्ज़ियाँ तो नहीं खाई जाती हैं या इस तरह की नहीं खाई जाएंगी जो मैं रेगुलर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो जो जो चीज़ें रखी हुई हैं तो मैं उनको पका लूँ, और कुक फॉर्म में होती हैं, कुक्ड होती हैं, तो वो आप रख लेते हैं, एक आध दिन दो दिन रख भी लेते हैं या आप वैसे ही खा लेते हैं। तो मैं वेजिटेबल्स ज़रूर लेती हूँ किसी भी फॉर्म में हो, तो इसलिए इसको बस मैंने क्या किया, मैंने एक ही मसाला बना लिया और इसमें मैं जो है थोड़ा सा मसाला उसी से लेकर डाल रही हूँ, थोड़ी सी कुछ और चीज़ें ऐड कर रही हूँ, टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी, उसके साथ मैंने दही ऐड कर दिया, थोड़े से मसाले ऐड कर दिए, क्योंकि इस तरह से पालक जो है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, बॉयल्ड तो नहीं खाई जाती, तो एक सालन के फॉर्म में खाई जाती है। ऑयल मैंने बिल्कुल ही ना होने के बराबर रखा, थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ ड्राई, और एंड में इसमें मैंने फिर डाल दी थी हरी मिर्चें। और ये मैंने हाँ साथ बनाया था अरवी गोश्त, तो मैं और उस्मान इतना ही खाते हैं, तो ये वाला जो है ना हम अभी खाएंगे। फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं सहरी में एग्स तो ज़रूर बनाऊंगी प्रोटीन के लिए, उसके साथ पालक भी रेडी हो गई है, थोड़ा सा सालन भी हो जाएगा, दही हो जाएगा, तो इस तरह से सारी चीज़ें जो है हम सहरी में इंशाल्लाह ताला वो बना लेंगे। तो रात का खाना खाने के बाद बस फिर आपको पता है कि समेटा समेटी और बर्तन वॉश करना, किचन के जितने काम थे वो मैंने फाइनल किए। अब है जी यहाँ पे सहरी का टाइम और मैं बनाने लगी हूँ सहरी। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आपके साथ ऐसा होता है कि फ़र्स्ट रोज़े में या पहली जो सहरी होती है स्पेशली उसमें आइडिया ही नहीं होता? मुझे रात को अम्मी पूछ रही थी कि कितने मतलब देर पहले मैं कुकिंग करना स्टार्ट करूं, फिर मैं ख़ुद भी सोच रही थी मैं कितनी देर पहले कुकिंग करना स्टार्ट करूं। तो हमें आइडिया जो है ना वो पहली सहरी या पहली इफ्तार के बाद होता है कि कितनी देर पहले जो है हमें स्टार्ट करना चाहिए और हमें बैठना चाहिए। ये शुक्र है कि आज लेट तो नहीं हुए हम लोग। और ये हाँ नया मैंने जो है वो तवा निकाल लिया आज, ये भी मैंने नया निकालना था तो ये मैंने निकाला। इस तरह का तवा मैं पहले यूज़ नहीं करती हूँ, मैं दूसरा वाला करती हूँ, और मेरी आदत है मैं रोटी थोड़ी सी बड़ी बनाती हूँ, बेल के बड़ी जो है वो बनती है हमेशा, मेरी रोटी मशहूर है कि बड़ी होती है, तो ये थोड़ा सा छोटा है तो मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे मज़ीद छोटी रोटी की प्रैक्टिस करनी होगी इस पर। लेकिन यह है कि रोटी इस पर काफ़ी अच्छी बनी, और मैं तली हुई फ्राइड रोटियाँ उस्मान के लिए बना रही हूँ, अपने लिए मैंने बहुत कम ऊपर से ऑयल जो है स्प्रे किया था, लेकिन यह है कि अच्छी बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी हमारी पहली सहरी, और अल्लाह पाक हमारा हम सब का रोज़ा कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी, शेयर करूँगी फिर आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।